दिवाली पर इस बार दिल्ली से हिमाचल के लिए चलेगी 23 स्पेशल बसें। पाकिस्तान से सीमा पार कर आए ड्रोन को बीएसएफ ने गिराया। नए साल में फिर से शुरू होगी सस्ती उड़ानें। उड़ान योजना के तहत 8 शहरों में संचालित की जाएगी तैयारी। पुलिस पर हमले में खनन माफिया जफर समेत 23 के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। इनोवेशन फंड का गठन करेगी प्रदेश सरकार। स्टार्टअप को मिला बढ़ावा। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भीषण के निर्देश पर सहायक अबकारी आयुक्त विक्रम दीप सागर के नेतृत्व में रीवा शहर में सभी शराब दुकान में लाइसेंसियों से हेलमेट जागरूकता के लिए पोस्टर और बैनर लगवाए गए। सीधी पुलिस ने बिना हेलमेट के चालकों पर सख्त कार्रवाई की, जिसमें 611 चालकों के विरुद्ध हुई चलानी कार्रवाई। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।